दोहर की नमाज का वक्त हो गया। आजान पढ़ने के लिए कश्मीरी उठा तो डोगरा महाराजा हरि सिंह के फौजियों ने उसे शहीद कर दिया। दूसरा आजान मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ा तो वो भी शहीद। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और यूं आजान मुकम्मल होने तक 22 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जबकि डोगरा फौजियों की फायरिंग से बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए। ये सानहा 13 जुलाई 1931 का है, जब हजारों कश्मीरी अब्दुल कदीर नामी मुजाहिद के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मौके पर उनके साथ इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जमा हुए। अब्दुल कदीर, जिसने कश्मीरियों को डोगरा राज के खिलाफ उठ खड़े होने का कहा था। उधर हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाजमर फारूक ने एक बयान में 13 जुलाई 1931 के शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि 1931 की अवामी तहरीक सदियों पुराने आमराना निजाम के खिलाफ कश्मीरी आवाम की मजबूत मुशरका जुदोजहद थी और इस दौरान शहीद होने वाले कश्मीरियों को सफे अव्वल के शहदा की हैसियत हासिल है। कश्मीरियों की कुर्बानियों और तहरीके आजादी के इन शहदा की याद में यौम शहदाए कश्मीर कल मनाया जाएगा। मुशरका हुर्रियत क़यादत ने इस मौके पर वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। हड़ताल का मकसद मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफाना हल की फौरी जरूरत और कश्मीरी आवाम और हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ मजालिम का सिलसिला बंद करवाने पर जोर देना है। मुश्तरका हुर्रियत क़यादत ने श्रीनगर से जारी एक बयान में उस रोज मजार शहदाए नक्शबंद साहब श्रीनगर की तरफ मार्च की भी अपील की है, जहाँ 1931 के 22 शहदा दफन है। सर्ज कहते हैं, शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है। कश्मीरियों की कुर्बानियां एक दिन जरूर रंग लाएंगी और इंशाल्लाह जल्द जन्नत नजीर वादी आजादी का सूरज तुलू होता देखेगी।